अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, नजर इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। जिस तरह कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया में हड़कंप मचा रखा है, उसके असरात हमारे मुल्क में भी देखने को मिल रहे हैं। लॉकडाउन और कर्फ्यू की वजह से रोजमर्रा की जिंदगी के कारोबार ठप हो गए हैं। माया नगरी, ख्वाबों का शहर और रोशनियों का शहर कहलाने वाली मुंबई भी मानो थम सी गई है। इसी दौरान गरीब और मजदूर तबके के लोगों के लिए दो वक्त की रोटी तलाश करना भी एक चैलेंज बन गया है। कर्फ्यू में कई गरीब और बेसहारा लोग फंसे हुए हैं। इनमें से कई ऐसे हैं जो रोजी रोटी कमाने के लिए मुंबई में आते हैं। अब इनके लिए अपने घर वापस जाने का रास्ता भी कई दिनों के लिए बंद हो गया है। इन्हें कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, इसका अंदाजा आप इस वीडियो से लगा सकते हैं। कब से बैठे हो आप इधर पे? मैं कल से बैठे हैं हम लोग। तो क्या प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है, कहीं ना ट्रेन चालू, ना कोई बस चालू, ना कोई ऑटो, हम कैसे जाएंगे अपने घर? तो आप लोग कुछ दिन तो अभी गांव नहीं जाने की मना किया गया है, तो आप लोग यहाँ पर क्यों नहीं रुक रहे? मना करते, बोलते ट्रेन चालू नहीं, अंदर आप नहीं आ सकते। तो यहाँ बम्बई में घर पे क्यों नहीं रुक रहे आप लोग? बम्बई में हम लोग का कोई घर नहीं है ना, हम लोग का कोई घर नहीं, हम लोग कमाने को आते हैं यहाँ पे। हम लोग को आए थे भैया बोले गाँव चले जाओ करके। तो खाना पीना कैसे आप लोग? कुछ नहीं, वो लोग तो अपने घर चले गए, अब लोकल जाके इधर बैठा है। अब पुलिस क्यों मार रही है आपको? लोकल स्टेशन जाता तो पुलिस मारती है। आप बता रहे थे आप ये यहाँ पे चोट लगा कल मारते करके कि वहाँ अंदर नहीं जा सकते, वेंड्रा विंड्रा किधर भी जा नहीं सकते, क्योंकि अपने गांव वाले रहते ना उधर वेंड्रा में, तो हम लोग सोचे उधर जाके रुक जाएंगे, लेकिन सिर्फ जा नहीं सकते वहाँ पे हम लोग। लोकल स्टेशन भी सब बंद है, कैसे जाके? दो तीन दिन से यहीं पे बैठे हैं। सर तुम्हारा नाम क्या? सर मेरा नाम आशुतोष मिश्रा है। यहाँ क्या काम कर रहे हैं? सर मैं इंश्योरेंस कंपनी में काम करता हूँ, दिल्ली में इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में। सर कल हमारी आपसे गुजारिश है कि हो सके तो अपने आसपास मौजूद ऐसे जरूरतमंद लोगों की अपनी इस्तेताद के मुताबिक मदद करें, क्योंकि इनके लिए अपने परिवार को पालना इस वक्त मुश्किल है। कम से कम अपने मोहल्ले से ही इसकी शुरुआत करें। इंसानियत की खिदमत भी एक इबादत है। अगर आप मदद नहीं कर सकते तो कम अज कम इस वीडियो को और लोगों तक जरूर पहुँचाइए। अपने शहर और उसके आस पास की खबरों के लिए देखते रहिए नजर इंडिया न्यूज़। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।